तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और एपिसोड में, जहां पे हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। और लास्ट पार्ट में आपने देखा था, हम लोग बर्फ वाला इलाका छोड़ के एक जंगल के इलाके में आ गए थे समुद्र से होकर, और यहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा घर बना लिया था और बेसिक सा गाय भैंस वगैरह मैं ले आया था, यानी कि जो होती है मुर्गी वगैरह सबको ले आया था। और फिर मैंने ग्लासेस बनाए थे, सेकंड फ्लोर पे मैंने ग्लासेस लगा दिए थे, और अभी मैं बनाने लगा हूँ अपनी विंडो, क्योंकि विंडो नहीं हो घर में तो मज़ा कहाँ आता है, अच्छा नहीं दिखता है। और मैंने जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उसमें ग्लासेस लगा रखे हैं भर भर के, लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वह क्या है आप वो भाई बाहर ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है, बहुत जल्दी 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 लगाओ, जल्दी लगाओ यहाँ पे, वो आ गया आ गया, जल्दी जल्दी चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, चलो देखते रहो तुम मुझे ताड़ते रहो विंडो में से, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ज़ॉम्बी बाबा रे। तो मैं एक जैसी बात कर रहा था, जो ऊपर वाला फ्लोर है मैंने वहाँ पे लगाया था एक गेट, लेकिन वह गेट अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैं ऊपर भी विंडो बना देता हूँ, एक और सामने तो बनी हुई है बहुत बड़ी विंडो, एक पीछे ही बना देता हूँ बड़ी सी विंडो, जिससे अच्छे से नज़ारा मैं एंजॉय कर सकूँगा सुबह उठकर। तो मैं 3x3 वाली विंडो बना रहा हूँ, नहीं 3x2 वाली बना देता हूँ। तो 3x2 की मैंने विंडो बना ली यहाँ पे मस्त सी, अब देखो पीछे का नज़ारा भी देखेगा, रोशनी भी आएगी, क्योंकि ज़्यादा ही अंधेरा हो रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चेस लगानी पड़ रही थी। तो अभी देखो सीधा सादा सस्ता सुंदर टिकाऊ एक घर तैयार हो। अभी ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए भी मुझे सीढ़ी लगानी है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फेंसेस। फेंसेस अच्छी लगेंगी ना, फ्रंट में जो बालकनी दी हुई है वहाँ से, वरना कभी गिर गए तो हेल्थ कम हो जाएगी। तो मैं फेंसेस लगा देता हूँ, जब नज़ारे एंजॉय करने जाऊँगा तो फेंसेस के पास खड़े होकर दूर दूर तक नज़ारे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी फेंसेस लगा देता हूँ, मैंने क्राफ्टिंग टेबल एक बगल में ही रखी हुई थी, तो मैं वहीं से ले आया फेंसेस और यहाँ पे मस्त लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने फेंसेस ऑलमोस्ट सारी लगा दी हैं, बस एक थोड़ी बहुत बची हुई है, तो उसे अभी बाद में लगा देंगे क्या जाता है। और यहाँ से नज़ारा देखो मस्त सा, अभी बारिश मारिश होने में लगी हुई है। ये गेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस यहाँ पे जो मैंने गेट यहाँ पे लगाया उसमें मज़ा नहीं आ रहा है सही बताऊँ तो। अभी देखो ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना, इसमें मैंने सोने के लिए, मैं सोने जाता हूँ थंडर स्टॉर्म में बाहर, लेकिन नहीं सो पा रहा हूँ क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी वगैरह भी घूम रहे, तो मैंने सोचा सो जाऊँ, लेकिन नहीं सो पा रहा क्योंकि कह रहे सिर्फ थंडरस्टॉर्म या रात में सो सकते हैं, तो ये भी ठीक है भाई। तो अभी हम लोगों ने पूरा सामान रख दिया और मैंने एक लैडर भी बना ली, अब लैडर से हम लोग चलते हैं ऊपर, और ऊपर वाले फ्लोर पे भी हम लोग देखते हैं क्या लगाया जाए। तो देखो अभी यहाँ पे चार तो लगी हुई हैं ये टॉर्चेस वगैरह, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे अल्टरनेट करके ब्लॉक लगाया जाए, और बीच में जो गैप रहेगा ना उसमें क्या लगा दूंगा मैं टॉर्चेस। तो मैं अल्टरनेट ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं करना क्या चाहता हूँ, तो अच्छा दिखेगा उससे रात के टाइम पे जब टॉर्चेस चलेंगी ग्लो करेंगे दूर से हमारा घर दिखेगा। और अभी ये कहाँ लग गया भाई, यहाँ पे अल्टरनेट लगाना था, हाँ अब सही है, एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने सारे में लगा दिए हैं ब्लॉक्स वगैरह, जो प्लैंक्स होते हैं वो पूरे में लगा दिए हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं टॉर्चेस भी लगा देता हूँ जल्द से जल्द, जिससे वो अच्छा देखना शुरू हो जाएगा मेरा घर, और दूर से ही मुझे देखने में आसानी होगी कि कहाँ पे है मेरा घर। और मुझे एक चीज़ समझ में आती है, इसमें कंपास कैसे बनता है भाई, देखना पड़ेगा इसकी रेसिपी की कंपास की रेसिपी क्या है, क्योंकि अगर मैं कहीं दूर जाऊँ खो जाऊँ तो क्या होगा। अभी मैंने खाना पीना भी यहाँ पर तैयार कर लिया है, रख दिया था मैंने पकाने के लिए, और अभी रात से वापस सुबह हो चुकी है। ये पार्ट मैंने बहुत जल्दी कट कर दिया, क्योंकि क्या रात भर मैं सो नहीं पाया, सोने तो दे नहीं रहे थे अच्छे से, ज़ॉम्बी वगैरह थे आसपास, तो जैसी रात हुई थी मैं सो गया और बारिश वगैरह बंद हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गाय के लिए फेंसेस, मैंने मुर्गी के लिए तो बना दी थी, लेकिन अभी जो जो मैंने बोल दिया था कि मैंने गाय के लिए भी बना दिया, तो अभी मैं गाय के लिए भी बना रहा हूँ। तो अभी गाय भी हम लोग लेके आएंगे, गाय सीप वगैरह जिससे वूल मिलेगा, फिर सीप को मार के खाना पीना भी मिलेगा। एक मुर्गी मस्त घूम रही है यहाँ पे बाहर, दो हमारे पास मुर्गियाँ बहुत हो चुकी हैं अभी भी। अभी हम लोगों ने वीट वगैरह देंगे, यानी सीड वगैरह देंगे वीट वाले, तो उससे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि एक मुर्गी के पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा है भाई, भर भर के स्टेमिना लेके आई है, तुरंत के तुरंत वह रिचार्ज हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने सस्ता सुंदर टिकाऊ एक फार्म बना दिया है यहाँ पे, किसके लिए, गाय के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ थोड़ा, ये जो इलाका है ना यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़े प्लैक्स लगा दूँ ये वाले, हाँ डर्ट ब्लॉक मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो डर्ट ब्लॉक अभी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और अब मैं थोड़ी बहुत जगह बन गई, क्योंकि पहले तो जगह ही नहीं थी यहाँ पे, खड़े होने लायक भी जगह नहीं थी। तो अभी हम लोग चलते हैं किसे लेने के लिए, अपनी गाय माता को, क्योंकि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। और अभी देखो यहाँ पे मैं डोर भी लगा देता हूँ, एक डोर भी लगना चाहिए। तो अभी यहाँ पर लकड़ी वगैरह काटने आ गए, क्योंकि लकड़ी की हो चुकी थी कमी,
और हमारे पास बहुत कम प्लैंक्स बचे हुए थे, तो मैं यहाँ पे प्लैंक्स वगैरह लेने आ गया है, तो उससे प्लैंक्स बन ही जाएंगे अब लकड़ी से। यहाँ यहीं की यहीं मैं क्या करता हूँ, एक गाय ले चलता हूँ। लेकिन गाय ले जाने से पहले हमें एक भूसा सा तो चाहिए, वो वीट बनता है ना ब्राउन से कलर का, वो तो चाहिए, उसी से तो आएगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जल्दी से जल्द बिल्कुल फटाफट फुल स्पीड से अपनी जो मैंने पीछे फसल लगाई हुई थी उसे काटने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे काट चुका हूँ अच्छी खासी फसल, यहाँ पे मैं सीड और वापस से लगा देता हूँ, क्योंकि जो सीड लगे हुए थे उन्हें काटने के बाद उससे डबल सीड मुझे मिल चुके हैं। तो कुछ सीड मैं मुर्गियों को खिला दूंगा, कुछ मैं लगा दूंगा यहाँ पे, और जो खाना पीना मिला है उसे मैं गाय वगैरह को भी खिला दूंगा वीट से, और अपने लिए भी ब्रेड वगैरह बन जाएगा। तो देखते हैं, अभी हम लोग चलते हैं किसी गाय को लेने के लिए। यहाँ पे मेरे पास साथ ही हुए हुए हैं वो भूसा सा होता है ना, क्या बोलते हैं सर, वीट वगैरह ही होता है ना, उसे साथ ही हो पाए। तो अभी मैं इसे जगह बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी 12 वीट सीड बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जगह बढ़ा के थोड़ा और फार्मिंग अच्छी खासी की जाए। तो अभी मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ और वीट सीड, और अभी हमारी फसल यहाँ पे ग्रो होने के लिए वापस से रेडी है। तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये एक ही सिंगल लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी वीट सीड लगा देता हूँ मस्त। यहाँ से हम लोग जोतते हैं, गलत नहीं सुन लेना कभी भी, मैं जोतना बोल रहा हूँ, कुछ और मत सुन लेना। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे वीट सीड लगा दी है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी गाय वगैरह को लेने यहाँ पे, और एक गाय मस्त अभी स्विमिंग पूल में नहाने में लगी हुई थी, जो पानी था उसमें आपको साफ करने में लगी हुई थी। एक सीप भी ले चलते हैं, ये आई रही है, तो मैंने कहा ऐसे काय को छोड़ो, इसे भी ले चलते हैं। देखो ये मस्त लगता है, मुझे ऐसे विलेजर्स का भी चाहिए कि विलेजर्स भी मुझे ऐसे फॉलो करें। यानी इसमें क्या है माइनक्राफ्ट में, विलेजर्स को बड़ी मुश्किल से यहाँ से वहाँ मूव करना पड़ता है, होते ही नहीं है वो लोग मूव। और ये देखो कितनी आराम से आ जाते हैं, ये जो सीप वगैरह है गाय है आराम से आ जाते हैं पीछे पीछे। तो अभी हम लोग ले चलते हैं इन्हें अंदर, और उल्लू बना के इसे हम लोग ले आए। आजा भाई, तेरी आज से यही जगह रहेगी, तुम लोग यहीं पर रहोगे, तू कहाँ रह गई भाई, आजा गौ माता आजा। अब मुझे दूध भी मिलेगा इनसे, और सीप से मुझे मिलेगा वूल। और यहाँ पे आ चुके हैं गाय वगैरह, इन्हें हम लोग थोड़ा खाना पीना देते हैं, और मुझे अपना स्टेमिना दिखा दे गाय, ये स्टेमिना देखा कितना स्टेमिना है बैल और ये गाय है। तो बैल और गाय की अभी हो चुकी है थोड़ा, समझ रहे हो ना, टपा टप वाले काम कर लिए उन्हें, और एक गाय का बच्चा पैदा हो गया। ओह भाई कितना क्यूट सा लग रहा है वो, देखो। तो अभी हम लोग चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि रात में यहाँ पे मुजरा होना शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद। आपको पता है क्या करते हैं ज़ॉम्बी क्रीपर वगैरह, तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे सोकर उठ चुका हूँ, और मैं जैसे ही बाहर आया मैंने क्या देखा, ये गाय तो भाग रही है घर छोड़ के, और सीप का तो पता ही नहीं कहाँ निकल ली पहली फुर्सत। मुझे लग रहा मैंने जो जगह खाली छोड़ दी थी ना, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ थोड़े ब्लॉक्स वगैरह पहले, तो गाय वगैरह जो है ना उन्हें अंदर ले आता हूँ। और ये वो सीप वगैरह पता नहीं कहाँ भाग ली, पहली फुर्सत में निकल ली वो यहाँ से। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे जो डर्ट वाले ब्लॉक है वो लगा के यहाँ पे जो बाहर जाने का रास्ता कर दिया है बंद, और गेट बंद हो जाए, ब्लॉक कहाँ रखा गया, गेट बंद करना था। हाँ, तो अभी हम लोगों ने गेट बंद भी कर दिया। गाय हमारे पास तीन आ चुके हैं, एक बछड़ा है छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा उनका बच्चा, और अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़े बहुत सीड कलेक्ट की जाए यहाँ वहाँ घूम के रास्ते में। और अभी हम लोग जाएंगे आसपास का इलाका घूमने के लिए, आसपास के इलाके में क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता देखने के लिए चलेंगे। तो गाइस अभी मैंने घर के बगल में एक मस्त सी माइन देखी थी, जब मेरे ऊपर क्रीपर आके फटा था तो मैंने वहीं पे ज़ॉम्बीज वगैरह की आवाज़ सुनी थी। यहाँ पे फटा था या आगे फटा था, आगे फटा था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ज़ॉम्बी वगैरह की आवाज़ आ रही थी भर भर के। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ माइन वगैरह है, तो मैं अभी तोड़ के देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। देखो वो चमगादड़ वगैरह की भी आवाज़ आ रही ना अंदर से, तो 100% यहाँ पे कोई माइन है। तो यहाँ पे मैं तोड़ चुका हूँ, यहाँ पे फाइनली माइन मिल चुकी है मस्त सी। अब देखते हैं, हमें बस आयरन चाहिए, अभी मेरे पास आयरन नहीं है। आयरन मिलेगा तो उस आयरन की पिकेक्स वगैरह बना सकूंगा, स्वॉर्ड बना सकूंगा, शील्ड बना सकूंगा, तो उससे थोड़ा आसानी होगी एक्सप्लोर करने के लिए माइनक्राफ्ट को। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं बहुत देर से ट्राई किया था, रात में भी ट्राई किया था, कि जब भी मैं टॉर्चेस वगैरह को लेफ्ट हैंड में लेता हूँ तो वह ग्लो क्यों नहीं करती, और इसे लगाने के बाद ही क्यों ग्लो करती, जलनी चाहिए ना टॉर्चेस ने। तो अभी हम लोग इन्हें मारते हैं, तो भर भर के यहाँ पे ऐसे आ गए हैं ना जैसे भंडारा बट रहा हो यहाँ पे। ए भाई यहाँ पे मैं कोई छोले पुड़ी नहीं देने में लगा हूँ, यहाँ पे भंडारा खाने आ गए तुमको, अरे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ मार मिलेगी, मार 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 बस मार 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 मारे जा कितना लेगा। अरे देखो कितने मार रहा हूँ मैं, लेकिन मरने का नाम ही नहीं ले रहे लोग, आयरू 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 करने में लगे हुए। ओ भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ वो है जहाँ से ज़ॉम्बी वो पैदा होते हैं ना, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, नाम मुझे पता नहीं, जो आपको पता है नाम तो लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अभी मैंने सारे ज़ॉम्बीज वगैरह यहाँ पे मार दिए, और मुझे अच्छी खासी
एक्सपी मिल चुकी है, 6 के करीब एक्सपी मिल चुकी है। और अभी वहां से कुछ आवाज आ रही है, मैं पहले ब्लॉक कर देता हूँ इस इलाके को, वहां से कोई आने लग जाए वरना जल्दी 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 यहाँ से छोटे बच्चे की आवाज आ रही है। ज़ॉम्बी का छोटा बच्चा होता है वह बहुत परेशान करता है रे, वह यानी इतनी स्पीड से भागता है एक तो, और तुरंत के तुरंत वह मार देता है पता नहीं कैसे। जो बड़े से ज़ॉम्बी रहते हैं वह नहीं मार पाते जितनी जल्दी, वह मार देता है। तो अभी मैंने यहाँ पर टॉर्चेस भी लगा दी, एक दीवार खड़ी कर दी जिससे मैं वहाँ से बचा रहा हूँ, और मैं अपने देखता हूँ वहाँ जाके कि क्या मिलता है। कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं भर भर के, डर भी लग रहा है मुझे। यहाँ पे मैं टॉर्चेस लगाते हुए धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे एक टॉर्च यहाँ पे लगाई, यहाँ पे एक तो पानी बहने में लगा हुआ है, अगर कोई आ गया तो मेरे मुँह पे आके फटेगा। तो पहले तो मैं पीछे चलता हूँ। ओ आयरन मिलते हुए यहाँ पे, आयरन की खोज मिल चुकी है हमें, आयरन मिल चुका है, अब हम लोग बना सकेंगे शील्ड, आयरन की पिकैक्स, आयरन की सॉर्ड, जैसे थोड़ा मजा आ जाएगा। तो इतने आयरन में तो अभी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे घंटा कुछ नहीं बनने वाला, 4-5 ब्लॉक मिले तो अभी हम लोग मकड़ी है यहाँ पे, मकड़ी ही बचा ले रे बाबा। तो मकड़ी को हम लोग मारते हैं पहले, मर जा, कहाँ छिपकी हुई है भाई, ए ज़ॉम्बी कहाँ आ गया, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी बचा रे बचाओ। मेरे पास एक तो कुछ शील्ड नहीं है तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा। ओ भाई ब्लेजर आ गए, जो ज़ॉम्बी वाला ब्लेजर होता है ना वही आ गए। ये मार मार मार, मर जा चला। तो गाइस अभी मैं माइन में वापस से अपना सामान लेने यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे लोग परेशान कितना करने वाला हूँ। जल्दी से जल्द मुझे अपना सामान चाहिए जिससे ना मार सको, फिर से ना मार दे, फिर से मत मारना, फिर से मत मारना, फिर से मत मारना। अरे वो बच्चा कहाँ है, बच्चा मर गया क्या, बच्चा तेरा बच्चा कहाँ गया भाई। हाँ पहले तो इसे तोड़ते जिससे ऊपर ना चढ़ पाए वो, और अपना सामान कलेक्ट करते वरना अभी जो आयरन मिला था वही भी खो जाता, और ये बहुत परेशान करने में लगे हुए। सबसे पहले अपना खाना पीना खाते हैं, हेल्थ कम हो चुकी है, हेल्थ बढ़ाते हैं मत। और सबसे पहले सामान भी सेट करना है मुझे, अपना पहले नंबर पे शॉर्ट रखनी है जिससे इन्हें आराम से मार सकूँ। नीचे मुझे गिर गया, नीचे गिर गया वो है, हाँ नीचे गिर गया, सही रहा सही रहा। इसे हम लोग ब्लॉक कर देते हैं जिससे ऊपर नहीं चढ़ पाए। कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, अब कैसा लग रहा है, वहीं पे तेरी मैंने कफन बना दी मस्त सी, वहीं पे रहे जिंदगी भर, जो भी करना है अंधेरी गलियों में वहीं पे घूमता रहे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी करना है तुझे करता रहे। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी और आगे की तरफ और देखते हैं आसपास के इलाके में क्या है, या फिर मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे जाऊँ, वहाँ पे जो मुझे आयरन मिला है उसे रख के आऊँ, वरना कहीं पे अगर खो गया तो परेशानी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ वापस चलूँगा। अरे शांति से रहने दो ना, कितना परेशान करते हैं लोग, उसने मेरी दीवार तोड़ दी। क्रीपर सबसे घटिया इंसान जो मुझे मारकाट में लगता है वो है क्रीपर। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मस्ती सी सीढ़ियाँ बना लूँ जिससे मैं अपने घर की तरफ भाग तो सकूँ अगर कुछ ऐसा गलत सीन होने लगे यहाँ पे। तो अभी मैं ऊपर चलने लगता हूँ अपने घर की तरफ सीढ़ियाँ बनाते हुए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होना तो अभी की वीडियो में लाइक कर दीजिए, अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो 2 एंड डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग माइंड पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या मिलता है हमें या नहीं। तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।